वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड डीवाई बाई डी एक्स इन दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज है आपका, देखिए ये देखिए क्वेश्चन, देखिए ये आपका इक्वेशंस के फॉर्म में है। अब इसमें कैसे आप डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, एकदम नॉर्मल सा स्टेप है। आपको क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या मिलेगा आप देखिए, करते हैं इसको डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर क्या है पूरा टर्म 2x प्लस का 3y है, इधर आपका क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, बेसिक सही है था। ऐसे आपको फॉर्म क्या कहते हैं, इक्वेशन वाले फॉर्म को, अब जहाँ पे साइन और ये सॉरी y और x को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसको कहते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, इसमें बेसिक सा है, आपको क्या करना, दोनों तरफ आपको इक्वेशन को क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक बात समझ में आ गया, अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ u प्लस भी है, ठीक है, तो क्या करेंगे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हो जाएगा प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 3y हो जाएगा, इधर आपका क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इधर वाले को करते हैं डिफरेंशिएशन, टू कांस्टेंट बाहर जाएगा, बचा क्या एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा प्लस में 3 बाहर जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका ये इधर, तो आपका कॉस इधर का काम कंप्लीट है। चलिए अब आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपका 2 इधर जाएगा तो मीन्स माइनस में आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड का 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम उसी तरह है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या इक्वेशन दिए हुए, आपको क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ये भी आपका इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आपको y को डायरेक्ट आप x के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इससे पहले वाला एक्सरसाइज था तो जिसमें आपका y इक्वल टू ऐसे मान लीजिए कोई सा फंक्शन था साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट y इधर है और साइन का इधर है, लेकिन ऐसे वाला इक्वेशन में जो अभी वाला क्वेश्चन नंबर 2 या 1 था, इसमें आप y वाले टर्म को एक तरफ और एक्स वाले टर्म को एक तरफ नहीं कर पाएंगे, कितना भी कोशिश करके आपको दिक्कत हुआ। ठीक है, तो चलिए ये बात समझ में आ गया, बेसिक चीज़ था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए तो उसी तरह करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस का आपका 3y इक्वल टू आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, थोड़ा समझिएगा। चलिए इधर आपका u प्लस भी अलग अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x को अलग प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 3y हो जाएगा,
ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने का आपको ये है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में एक साथ ही सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये आगे समझाएंगे। अब टू बाहर कर लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 बाहर इंटू y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। अब मेन चीज़ आपका यहाँ पे आता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। कॉस तो आप लिख देंगे, ठीक है, लेकिन ये आपका फंक्शन किसका है, y का है, ठीक है। तो y को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो क्या आ जाएगा, कॉस, एंगल में जो है एज इट इज रहने देंगे, इनटू, ठीक है। अब y बचा तो y का कर देंगे dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है, चेन रूल लगा दिए, ठीक। ये समझ में आया, x रहता तो क्या होता, साइन साइन x का डायरेक्ट आपका cos x हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन y है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन का तो कर दिए डिफ्रेंशिएशन, cos y हो गया। अब y है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो dy वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आपको y वाले टर्म को एक तरफ रखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को, क्योंकि लास्ट में आपको dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3dy बाई डी एक्स इस टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस cos y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन हो गया तो बचा क्या, 3 माइनस cos y इक्वल टू आपका माइनस 2। dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, माइनस 2 तो इधर है ही, ये वाला टर्म आएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3 माइनस cos y। अब एक काम कर लीजिए, यहाँ पर भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा कर सकते हैं कि आप माइनस नीचे कॉमन ले लीजिए, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया 2 डिवाइडेड बाई कॉस वाई माइनस का 3 आ गया, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहां भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन दिए हुए, जहां पे आप वाई और ए वाई को एक्स के फॉर्म में डायरेक्ट आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन का कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाए, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस का बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, यू प्लस बी है तो अलग अलग कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस में आपका डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, इधर आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई है, एक ही साथ सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, आसानी रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझिएगा आप, ये चीज़ है, यहाँ ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये बाहर रख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस में b बाहर रखेंगे, y स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो y x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करना था dy बाई डी एक्स, जरूर लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर है तो क्या करते हैं, डी टू एक्स लिख देते हैं, लेकिन आपका फंक्शन वाई का है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना ज़रूरी है। उसी तरह आपका यहाँ आएंगे, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, ठीक है। लेकिन आपका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, फंक्शन क्या है वाई का, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अभी यहीं बताए थे, इसमें देखिए यहाँ पर बताया था साइन वाई था तो कॉस लिखे, उसको वाई था, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना, यही चीज़ यहाँ पर कैच है। अब देखेंगे लास्टली आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो एक तरफ रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब डी वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन आ सकता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो आपका बचा क्या, टू बी वाई प्लस का आपका साइन वाई इक्वल टू आपका माइनस का ए हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस इस वाले टर्म को नीचे भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में है तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस ए डिवाइडेड बाई टू बी वाई प्लस का आपका साइन वाई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको डब्बे में पैक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम है उसी तरह का, ठीक है। यहाँ भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको बोलिए, और आपको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे, पहला टर्म डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस का आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका एल एच एस का काम कंप्लीट, आर एच एस की तरफ बढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस का आपका वाई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर यू प्लस बी है, अलग अलग कर देंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर, यहाँ पर भी यू प्लस बी है तो डी बाई डी एक्स पहला वाले को अलग, दूसरा वाले को अलग, प्लस में बीच है, बीच में प्लस है तो उसको रहने देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बस, अब देखिए यहाँ पर यू इंटू भी है तो यू इंटू भी का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, देखिए एक को रख दिए, एक्स को रख दिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस में वाई को रख दिए एक्स का डिफरेंशिएशन, चलिए इतना का हुआ, ये इतना का हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए एक्स स्क्वायर का 2x, तो वाई स्क्वायर का भी आपका 2y हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शन y क्या है, करना किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो आपको dy वाई बाई डी एक्स यहाँ लगाना कंपलसरी हो जाएगा, इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, अब याद हो जाना चाहिए sec स्क्वायर x, प्लस में ये आपका dy वाई बाई डी एक्स है तो dy वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए, अब dy वाई बाई डी एक्स वाला कहाँ कहाँ टर्म है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते, चलिए नेक्स्ट में कॉमन निकालेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आपका वाई, ये एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, चलिए वन हो जाएगा, प्लस में आपका टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस में डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला जितना टर्म है, जैसे ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला, इसका क्या, इसको क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस
प्लस का आपका ये 2y वाला को 2y dy by dx, ये आपका इधर जाएगा तो माइनस का dy by dx हो जाएगा इक्वल टू आपका sec स्क्वायर x बचा इधर, ये y इधर आएगा तो आपका माइनस का y हो जाएगा। अब क्या करिए, आप कॉमन निकाल लीजिए, इसमें तीनों में dy by dx है, कॉमन निकालेंगे तो dy by dx कॉमन हो गया तो आपका x प्लस का 2y माइनस का 1 हो जाएगा, इधर आपका sec स्क्वायर x माइनस का y। धीरे धीरे बनाएंगे गए तो आपका सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, हर बनाना नहीं है एकदम, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन बेसिक आपका क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो dy by dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस का y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका इक्वेशंस के फॉर्म में है और आप क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस का xy प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तीनों टर्म क्या है, समेशन में है, जोड़ में है, तो अलग अलग कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई हो जाएगा प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, एक काम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, इसका भी काम कंप्लीट। अब यहाँ देखिए यू इंटू भी है, प्रोडक्ट रूल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो क्या करेंगे एक्स को रख देंगे वाई का डिफरेंशिएशन, अब वाई को रख दिए अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका काम कंप्लीट, इतना इसका हुआ, ठीक है। प्लस में y स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y होगा, लेकिन ये फंक्शन y का है, ये x का है, तो आपको dy by dx लगाना पड़ेगा, इक्वल टू का आपका 0 है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका 2x प्लस में ax इंटू dy बाई डी एक्स प्लस में y इंटू आपका x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस में 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, कॉमन है आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ रखने देंगे और जो बचा है उसको उधर भेज देंगे, तो x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस का 2y इंटू dy बाई डी एक्स, तो इधर आपका जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब dy बाई डी एक्स यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन, बचा क्या है x प्लस का 2y, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस का आपका y हो जाएगा, ठीक है। तो dy by dx यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस का y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर।